नकली शराब मामले ते पंजाब पुलिस की जांच से वड्डा खुलासा होया। इनफोर्समेंट डायरेक्टर ने जांच शुरू की थी पर दो महीने बीत जाने के बावजूद भी पंजाब पुलिस ने ईडी के नाल कोई जानकारी सांझी नहीं की, जिस तो बाद पंजाब पुलिस की भूमिका से सवाल उठने लाजमी ने। एक सौ भी लोगों के कतल हो जाना आम गल नहीं, घर उजड़ जाना साधारण घटना नहीं, इस सब कुछ सरकारी तंत्र के नक हेठ होया। यह उही सरकारी तंत्र है जिस तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पिछले दो महीने तो जानकारी मांग रहा है कि उन्होंने नकली शराब तैयार करने वाली फैक्ट्रियां की जिन्हां ते रेड हुई है वड्डा जखीरा फड़िया गया। ईडी वालों 9 जून को लुधियाना, खन्ना, मोहाली और पटियाला के SSP को भेजिया गई ईमेल का कोई जवाब हजे तक नहीं मिले। सवालों के जवाब का इंतजार हाले भी ईडी है पर सरकार ते पुलिस विभाग चुप है, जानकारी साझा कर। तकरीबन दो महीनों तो ईडी दफ्तर जिहड़ा आ पंजाब सरकार के जवाब की इंतजार कर रहा है, उस जवाब की जिस दे विच ईडी दफ्तर ने पंजाब सरकार तो सूबे अंदर नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां का लेखा जोखा मंगिया सी। ईडी ने उन्हां सारे मामलों की अगे पड़ताल करन दे वास्ते संबंधित जिलों के जिहड़े SSPs हैगे आ उन्हां नू 9 जून वाले दिन एक ईमेल भेजी सी कि नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां के मामले दे विच ईडी दफ्तर नू जानकारी दी जाए ता जो इस पूरे मामले की डूंघाई तक जांच की जा सके। पर अज दो महीने तो वादा समा हो चलिया, हाले तक ईडी के हाथ खाली ने, सरकार दे वलों ईडी नू कोई सहयोग नहीं दिता जा रहा, पुलिस दे वलों ईडी दफ्तर नू हाले तक कोई दस्तावेज मुहैया नहीं करवाया जा रहा। राजपुरा नेड़े कनौर हल्के च 14 मई नू फड़ी गई नकली शराब फैक्ट्री मामले च ईडी दे कई वड्डे अधिकारी खुद पटियाला पहुंचे सन पर पटियाला पुलिस हाले भी हनेरे च ही तीर चलाई जा रही। जिहड़े लोगों ते FIR दर्ज है उन्हां दी शमूलियत बारे भी जुबान खोलण लई पटियाला पुलिस तैयार नहीं। पुलिस की चुप्पी ते अकाली दल ने वड्डे सवाल चुके। शराब भी बिकी है दो नंबर दी, बल्कि फैक्ट्रियां भी फड़ियां गई नकली जाली खतरनाक शराब बना दी, नशा पैदा कर दी। ते हुण क्योंकि उहदे विच बहुत सारे सूबियां दे लोग कनैक्शन विच हैगे आ, ते इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट उहदी इनकुआरी कर रहा ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ।